Hey people, what is up? This is Animesh and finally I'm back in front of you with a new video after a while. So, आज हम बात करने वाले हैं PUBG के बारे में. I don't think किसी को मुझे बताने की जरूरत है किसी को कि ये गेम क्या है. So straight away मैं इस वीडियो के अंदर जा रहा हूँ और बात करने वाला हूँ PUBG मोबाइल बैन को लेकर. तो कुछ मंथ्स पहले हमें देखने को मिला था Fortnite के ऊपर आउटरेज पेरेंट्स की तरफ से. Fortnite वेस्ट साइड में बहुत पॉपुलर हो गया था कुछ टाइम पहले एंड अभी भी है, बट ये इन्फ्लुएंस कर रहा था डायरेक्टली बच्चों को. एंड ऐसे में पेरेंट्स का कंसर्न था कि ये गेम बंद हो जाए क्योंकि बहुत से बच्चे इससे एडिक्टेड हो रहे थे, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जा रहा था एंड ऐसे में उनके ऊपर मेंटल प्रेशर आ रहा था, उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस आ रही थी, वो एक तरह से मेंटली इल होते जा रहे थे. That's why many parents outraged on Epic Games on the ban of Fortnite. But ऐसा नहीं हुआ क्योंकि Epic Games ने सीधा सीधा बोल दिया कि ये हमारी गलती नहीं है, हमने ये गेम entertainment के लिए निकाला था. And ऐसे में बच्चे किस वजह से इसको खेल रहे हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं. So PUBG Mobile India में 19th March 2018 में launch हो गया था. तो ऐसे में यार मतलब अब बहुत सारे केसेस आने लग गए कि PUBG मोबाइल बैन हो रहा है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आ गए, बहुत सारे नोटिस स्प्रेड होने लग गए कि PUBG बैन होने वाला है महाराष्ट्र साइड में और भी बहुत सारी जगह. तो ऐसे में फिर बाद में पता चला कि मतलब ये एक फेक न्यूज थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल हो गया. और अब कुछ हफ्ते से ये न्यूज आ रही है कि PUBG मोबाइल बैन हो चुका है फुल्ली इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात लाइक सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद एंड मेनी मोर प्लेसेस. लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं. ऐसा कुछ है कि मतलब अगर इस डेट से कोई अगर PUBG खेलते हुए मिला तो उसको अरेस्ट कर लेंगे, लिटरली अरेस्ट कर लेंगे. तो ऐसे में एक के सामने है कि 10 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं गुजरात में ही एंड पुलिस ने उन प्लेयर्स के मतलब फोन ले लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए. और ऐसे में यार मैंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया, एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा इसके ऊपर. सो माई कंसर्न इज यार मतलब क्या जरूरत पड़ी बैन की, क्या हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, किसने बैन किया है. एंड तो यार हमें ये समझने के लिए सिंपली तीन लोगों की तरफ से सोचना पड़ेगा, तीन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ेंगे. दैट इज अस द यूथ, सेकंड आर पेरेंट्स एंड थर्ड एंड फाइनल द अथॉरिटीज दैट इज गवर्नमेंट, पुलिस एटसेट्रा. तो यार हम लोग PUBG क्यों खेलते हैं, अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा कि तुम PUBG क्यों खेलते हो, व्हाई द यूथ इज प्लेइंग PUBG मोबाइल. द आंसर टू दिस लाइज सिंपली कि हमें प्लेजर मिलता है, थोड़ा बर्डन कम हो जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाती है और ऐसे में फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का इससे बेहतर और कोई चीज है नहीं. है बट स्टिल दोस्तों के साथ मिलके खेलने में इसको मजा आता है. सो दैट्स वाई वी आर प्लेइंग PUBG. एंड मोर ओवर आई थिंक यूथ कहीं ना कहीं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस हो रहा है. बहुत सारे फेमस इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में गेमर्स आ चुके हैं, नाम नहीं लूंगा बट तुम सबको पता है. और ऐसे में वो रखते हैं सब्सक्राइबर गेम दिन में तीन तीन बार, कभी कभार तो रात को लेट नाइट. एंड ऐसे में यार यूथ मतलब खेलता है उनके साथ एक, तो ऐसे में यार यूथ को मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है कि मतलब यार अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के साथ खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे, उनके ही साथ खेल रहे हैं, उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं. एट द एंड ये लोग 3-4 घंटे स्ट्रीम करते हैं जो हम इनको देखते हैं और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि इससे इन्फ्लुएंस हम सब हो रहे हैं. तो यार कहीं ना कहीं इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में भी इसका हाथ है. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि टोटली इसकी वजह से ही अफेक्ट हो रहा है, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए PUBG बैन हो रहा है, बट या मैं कहूँगा कि हम यूथ इन गेमर्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. इंडियन गेमिंग कम्युनिटी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है और ऐसे में यार मतलब बस हम इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इनके साथ खेलते हैं. एंड यही मेरे हिसाब से यार यही एक वजह है जो इतना मतलब PUBG एडिक्शन हो रहा है कि लोग रात रात भर खेलते रहते हैं, छोड़ नहीं रहे. और ऐसे में मैंने एक केस पढ़ा था कि किसी ने, आई डोंट नो इफ दिस इज राइट और रॉन्ग, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे कि ये सही न्यूज़ है या नहीं. मैंने सुना था कि किसी ने पानी की जगह PUBG खेलते खेलते एसिड पी लिया एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट. Now this is ridiculous. मतलब यार इस न्यूज को सुनके हंसी भी आती है और यार दुख भी होता है कि मतलब कोई एसिड कैसे पी सकता है PUBG खेलते खेलते पानी की जगह. एंड इसके ऊपर यार और मैं क्या बोलूं. सो पता नहीं यार ये न्यूज सही है या गलत है, तुम लोग बताओ यार मुझे कि ये सही सुना है मैंने या नहीं. सो अब आते हैं यार मतलब ये तो बात हुई यूथ की, हमारी, हम बच्चों की. अब बात आती है यार पेरेंट्स की.
तो पेरेंट्स यार ऑफ कोर्स अगर हमें देखेंगे इतने घंटों तक खेलते हुए देख के कि उनको भी यार कहीं ना कहीं टेंशन होती है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, पेरेंट्स भी एकदम वरीड है, टेंशन में है, स्ट्रेस्ड आउट है कि हम आगे जाके क्या करेंगे, इसमें क्या हो रहा है। पेरेंट्स को चिंता होती है यार फ्यूचर की। आई नो ये बोलने की जरूरत नहीं है, बट दैट्स व्हाई आवर पेरेंट्स आर वरीड अबाउट अस, एंड एट द एंड कहीं ना कहीं ये सही है यार। मतलब सो दैट्स व्हाई यार ये था पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो हमें देखकर वरीड है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे आगे जाके अपने फ्यूचर में। तो दिस वॉज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स। अब फाइनली बारी आ जाती है यार अथॉरिटीज की, जो कि है गवर्नमेंट। इतने सारे इतनी सारी जगह पे अलग अलग शॉकिंग केस देखने को मिले हैं कि मतलब यार जो यूथ है वो मतलब एग्रेसिव होता जा रहे हैं इस गेम को खेलते। अगेन आई एम नॉट सेइंग ऑल द यूथ, बट कहीं ना कोई लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो रियल लाइफ में थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, और ऐसे में चलते बहुत डेथ की बहुत रिपोर्ट आ रही हैं, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आर अथॉरिटीज आर टेकिंग एक्शन इसको रोकने के लिए। बट कैसे, अगर हम मैं समझा नहीं कैसे, अगर हम खेल रहे हैं कहीं पे एंड पुलिस आती है हमें देखती है कि हम पबजी खेल रहे हैं, तो वो सीधा हमें पुलिस स्टेशन में ले जाके बंद कर देती है, हमारे फोन्स ले लेगी। सो यार मुझे नहीं लगता कि ये सही एक्शन है। अगेन आई एम नॉट एनीवन टू से दिस, मैं कोई नहीं होता हूँ ये कहने के लिए। एट द एंड अथॉरिटीज हैं वो, और वो भी कहीं ना कहीं वरीड है यार, इतने सारे शॉकिंग केसेस आ रहे हैं डेथ्स की, तो यार ये बहुत सीरियस इशू है, एंड कहीं ना कहीं अथॉरिटीज एक्शन ले रही हैं, एंड दे आर जस्ट अरेस्टिंग द यूथ, द पीपल हु आर प्लेइंग पबजी, एंड वो उनके फोन एकदम इन्वेस्टिगेशन में ले रही हैं, एंड कुछ एरियाज में पबजी बिल्कुल परमानेंट बैन हो चुका है। अगेन टेंसेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि हमने ये अगेन गेम एंटरटेनमेंट के लिए निकाला था, और ये जो भी हो रहा है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। टेंसेंट भी यार सही है, जो जिसने गेम बनाया है वो कंपनी भी एक तरफ से अपने तरफ से सही है कि यार हमने उन लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए गेम बनाया था जिससे सब एक साथ मिलके गेम एक हेल्दी वे में खेलें, बट आउटरेज हो रहा है यार, ओवरडोज हो रहा है इस गेम का, मैं कहूँगा सिंपल शब्दों में ओवरडोज हो रहा है, एडिक्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी भी जिम्मेदार नहीं है यार इस बारे में। ये था टेंसेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा था रिसेंटली न्यूज में, एंड अथॉरिटीज को यार ये एक्शन लेने पड़ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बताई, तो अथॉरिटीज यार ऐसे मतलब बैठ के देख तो नहीं सकती कि ये सब हो रहा है। अगेन यार मतलब ये पबजी बैन तो सही, अगेन ये पबजी बैन तो सही था, बट यार अरेस्टिंग द पीपल इज नॉट राइट यार, मैं नहीं समझता ये सही है, कुछ और एक्शन ले सकते हो अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को, पुलिस को, कोई ना कोई अलग रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम यूथ अफेक्ट ना हो और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंड आई थिंक दिस वॉज ऑल इट, यही तीनों पॉइंट ऑफ व्यू यार मेन मायने रखते हैं, हम यूथ, हमारे पेरेंट्स एंड द अथॉरिटीज। तो यार मतलब अब मैं अपने ओपिनियंस रखना चाहूंगा, पबजी तो ठीक है यार, उससे एडिक्शन हो रहा है, उससे लॉस ऑफ लाइफ हो रही है, और उससे बहुत सारी अलग अलग चीजें हो रही हैं, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रही हैं, बट यार पबजी एक ऐसी चीज नहीं है जिससे लोग एडिक्टेड हैं, अफेक्टेड हैं, और यार ये एक तरह से नेगेटिव नहीं है, बल्कि बहुत सारी ऐप जैसे टिकटॉक और ये सारी मतलब अलग अलग ऐप्स हैं जो मैंने देखी, इस पे अजीब अजीब वीडियोस लोग शेयर करते हैं यार, देख के मैं भी शॉक हो गया था एक बार, और मैं मुझे पता है ये कोई नया टॉपिक नहीं है, टिकटॉक वीडियोस आर ऑल ओवर द यूट्यूब, डजन्स ऑफ देम, टन्स ऑफ देम, एवरी डे इज बीइंग पोस्टेड ऑन यूट्यूब, देयर ऑफिशियल ऐप टिकटॉक ऑल्सो। तो यार मतलब मैंने देखा टिकटॉक पे बहुत अजीब अजीब वीडियोस लोग शेयर करते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो वल्गर होते हैं, और जो मतलब किसी भी तरह से सही नहीं होते यूथ के लिए और किसी के भी लिए और किसी और के लिए। तो यार मेरा ओपिनियन यही है, अगेन आई एम नॉट एनीवन टू से दिस एट ऑल, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर पबजी बैन हो रहा है ठीक है, तो यार ऐसी अलग अलग ऐप्स भी बैन होनी चाहिए जिससे अफेक्ट हो रहे हैं लोग, नेगेटिविटी है उस पर, और सीरियसली आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट दिस इज माई ओपिनियन यार। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं सही हूँ तो नीचे कमेंट करो, अपने ओपिनियन शेयर करो इस बारे में, और एट द एंड यार एक यही एक वीडियो था जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि यही तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं पबजी बैन को लेके। इफ यू एंजॉयड द वीडियो और फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इन एनी वे, प्लीज लाइक द वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड मेक श्योर दैट यू रिंग दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम माय साइड एटलीस्ट।
टिल देन यार मतलब यही एक वीडियो था और दिस वॉज इट. दिस इज एनिमेट साइनिंग ऑफ एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.